Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. चित्राल मेरा पहला सफ़र है ये, और मैं जहाँ भी सफ़र पे जाता हूँ वहाँ सिखाने के बजाय सीखने की कोशिश ज़्यादा होती है। एक चीज़ हर सफ़र में सीखने को मिलती है, इस्लाम जैसा ख़ानदानी मज़हब किसी के पास नहीं है। मैं यहाँ जिस दिन आया तो यहीं लोगों से ये ही सवाल पूछे जा रहा हूँ बार बार, इस्लाम यहाँ कब आया, कौन लेके आया, ये सारे मुसलमान कैसे हो गए, यहाँ का असल मज़हब क्या है। बाज़ हज़रात ने बताया कि यहाँ का असल मज़हब जो था इस्लाम के आने से पहले वो कैलाश कौम है, कैलाश मज़हब है। हम पहुंच गए सुबह कैलाश। जब आप केपीके में दाखिल होते हैं, हमारे पठान भाई बहुत हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, लेकिन चूंकि उनकी अजमत बहुत ज़्यादा है तो वो हर चीज़ अपनी अजमत के हिसाब से बयान करते हैं। हमारे यहाँ मशहूर है पठानों का एक घंटा कम से कम कराची वालों के चार घंटे के बराबर है। जब वो कहे ना एक घंटे के रास्ते पर है तो समझ लो चार घंटे पहुंचने में लगे। जब वो कहते हैं ना ये सामने है, इसका मतलब 25-30 किलोमीटर तो कहीं भी नहीं गए। वो उनका सामने होता है, वो हमारा सामने नहीं होता। तो हमें यहाँ किसी भाई ने बताया कि एक घंटे के रास्ते पर है कैलाश। किसी दूसरे ने बताया कि डेढ़ घंटे के रास्ते पर है। किसी और ने कहा कि दो घंटे के रास्ते पर है। तो जो सबसे बड़ी रिवायत थी वो दो घंटे की थी, और बताया कि बड़ा ख़तरनाक सफ़र है। हमने कहा हम जाएंगे कैलाश। बड़ा मकसद था उनके मज़हब को देखना, वो क्या है, कैसी कौम है, कैसा मज़हब है। तो बहरहाल हम ड्राइव में खुद करता हूँ आमतौर पे, बड़ा ख़तरनाक रास्ता, पहली दफ़ा इतने ख़तरनाक रास्ते पे गाड़ी ड्राइव की। 3.5 घंटे लगे हमें वहाँ पहुँचने में, और इस बात का भी इम्कान था कि नहीं पहुँचे, पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। लेकिन खैर आज पहुँचे, वहाँ की कौम को देखा, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से मुलाकात हुई, ऐसे उलमा जिनके दादा परदादा उसी मज़हब के मानने वाले थे जो मुसलमान हुए। तो जब इंसान किसी भी दूसरे मज़हब का या उस कौम को देखता है तो इस्लाम की अजमत कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, मन लम यारिफिल जाहिलिया लम यारिफिल इस्लाम। जिसने ज़माने जाहिलियत नहीं देखा ना, इस्लाम आने से पहले का ज़माना नहीं देखा, उसे इस्लाम की खूबियों का पता बोलना पड़ता है, आपको पता है ना, नहीं चलेगा। अंधेरा रोशनी की कदर किसे होगी जो अंधेरों में रहा हो। यहाँ पता नहीं लोड शेडिंग का कितना रेशो है, हम कराची में तो अंधेरों में ज़्यादा रहते हैं। जैसे ही लाइट आती है तो KESC वालों के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं।
हालांकि लाइट लेके भी वही गए होते हैं, लेकिन अंधेरे के बाद रोशनी की इंसान कदर करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस्लाम के अलावा जितने रास्ते हैं सबको अंधेरों से ताबीर किया है, और छोटे मोटे अंधेरे नहीं। असल में हम चूंकि मुस्लिम है ना, इसलिए हमें कदर नहीं है। आप गैर मुस्लिमों को देखते हो ऊपर ऊपर से चमकते हुए नजर आएंगे, सूट बूट टाई में कोट में। आप इनके घरों का निजाम जाके देखो, इनकी पर्सनल लाइफ में घुसो, आपको तबाही के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर कदर होती है, अल्लाह ने हमें मुस्लिम बनाया। नहाना इन्हें मुसलमानों ने सिखाया है, गैर मुस्लिमों को नहाना किसने सिखाया है? दुनिया में जहां भी आपको तहजीब नजर आ रही है ना, अगर आप मुस्तनद तारीख पढ़ो तो उस तहजीब के पीछे इस्लाम का हाथ है, उसकी बैक पे इस्लाम खड़ा है। इस्लाम से पहले दुनिया तहजीब से वाकिफ नहीं थी। वहां के मकामी लोगों ने मुझे बताया, ये जो कैलाश कौम में जो जो खराबियां थीं और अब भी हैं, ये अब कम हुई है मुसलमानों के साथ रहने की वजह से। साल में बमुश्किल एक दफा नहाया करते थे, अब सुने थोड़ा बहुत नहाना शुरू कर दिया। अल्लाह का फजल हो गया। और बहुत सारी कौमें, अब चूंकि बयान बाहर मुल्कों में भी जाते हैं मेरे, तो मैं ज्यादा कौमों का नाम लेके उनके इंसल्ट करूंगा, फिर लोग परेशान होते हैं, यार ये क्या कर रहे हो। वरना जो कौमें आपको साफ सुथरी नजर आ रही है ना, उनकी गंदगी के बारे में अगर मैं रिपोर्ट पेश करना शुरू कर दूं तो आप हैरान हो जाए। कुछ सोचो, जो खाते गंदी चीज है वो साफ हो सकते हैं? शराब पाकीजा चीज है, गंदी चीज है, बदबूदार चीज है ना। शराब की बोतल अल्लाह न करे को यहां ला के रख दे, क्या खुशबू आएगी? उससे लिपटने का दिल करेगा आपका? जो चीज इंसान सलीम उत्तबा इंसान अपने करीब बर्दाश्त नहीं करता, जिसने शराब पी हुई हो आपका दिल चाहता है उसे गले लगाने का। भाई यहां भी पाबंदी है गवर्नमेंट की तरफ से बोलने पर, मेरा ख्याल है जैसे कराची में पाबंदी है, तो आप जरा नई जोर से बोल दो ना। देखो, शराब कोई पी के आया हो, आपका दिल लगेगा, उस दिल चाहेगा उसे गले लगाने का? हाँ, अब मजा आ गया। तो जो इतनी गंदी चीज जिसे पीने वाले को गले लगाने का दिल नहीं करता, आदमी का दिल चाहता है इसको दूर रखो मुझसे, वो चीज इंसान अपने पेट में उतारे वो बहुत पाकीजा हो सकती है? जो गधे घोड़ों की तरह जिना करते हो, उनके यहां निकाह का रिवाज ना हो, उस कौम को आप मुहज्जब कैसे कह सकते हो? भाई ये दुनिया में जितनी कौमें हमें तहजीब सिखा रही है, ये गधे घोड़ों से जैसी जिंदगी नहीं होती इनकी। क्या वला तो जिना, बच्चों की कसरत, बगैर निकाह के औरत से ताल्लुकात, तो गधे में और इंसान में क्या फर्क है? बकरे में और इंसान में क्या फर्क है? यही तो फर्क है। तहजीब की तारीफ ही बदल दी। मुहज्जब कौमें, देखो एक आदमी, उसके पास तहजीब थी नहीं बिल्कुल, वो हर वक्त मैला कुचैला रहता है, हर वक्त बदबू में पसीने की बदबू, और हर वक्त उसके जिस्म से बदबू आती है, गंदे काम गंदे आमाल, जिस्म में भी बदबू, दांत भी साफ नहीं। अब आप उसको ताना दे, यार सफाई किया करो, इंसान साफ सुथरा अच्छा लगता है। असल तरीका तो ये था कि वो साफ हो जाता, क्या ख्याल है भाई? लेकिन वो इतना मैला हो चुका है, और दुनिया पे हुकूमत करने का और दुनिया को सफाई सिखाने का शौक भी उसे बहुत है कि मैं सबसे ज्यादा क्या हूं, साफ हूं। तो उसने सफाई की डेफिनेशन ही को चेंज कर दिया। उसने कहा, ये जो पसीने से आ रही है ना मेरे, ये बेहतरीन खुशबू है। और डिक्शनरी में उसने लिख दिया कि खुशबू की डेफिनेशन क्या है। जो फला मैले के मैले होते हैं ना, महल्ले में कुछ लोग होते हैं उनका नाम ही मैला पड़ जाता है, पता नहीं कराची में तो इस तरह पड़ता है नाम, आपके यहाँ क्या रखते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहाते ही नहीं, उनका नाम क्या पड़ जाता है? भाई वो फला मैला आ रहा है। नाम कुछ भी लगा सकते हैं उसके आगे, मैं लगाऊंगा तो ऐसा ना कोई बंदा यहाँ बैठा हो।
वो देखो फला मैला आ रहा है, फला मैला आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, मैल कुचैल की डेफिनेशन को क्या कर दिया, बदल दिया, सफाई और खुशबू की डेफिनेशन चेंज कर दी। यहां बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह 95% लोग पढ़े लिखे हैं इन आबादियों में, लिटरेसी रेशो यहां पर शहरों से ज्यादा है। बच्चा बच्चा उर्दू बोल रहा है, मैंने कहा ये कहां से सीखे, कहते हैं स्कूलों से सीखते हैं, इंग्लिश भी उर्दू भी। तो अब क्या किया उन्होंने कि सफाई की डेफिनेशन को क्या कर दिया, उस मेले ने, उस भंगी ने चेंज कर दिया। और चूंकि हुकूमत उसकी है, वो जो चाहे कर ले, जिसकी गवर्नमेंट होती है, जिसकी हुकूमत होती है, वो पाबंद थोड़ी होता है कानून का, वो तो दूसरों के लिए कानून बनाता है। एक दफा का जिक्र है, एक ऊंट, एक बैल और एक दुम्बा ये सफर कर रहे थे, भूख लगी तो घास की एक गठरी नजर आई। अब गठरी एक है, खाने वाले कितने हैं, तीन। अब झगड़ा हो गया इनका, हर एक ने कहा मैं खाऊंगा। तो ऊंट जो था ना, ऊंट वो बुजुर्ग था, बड़ा है, उसको अल्लाह ने आली मकाम अता किया है। उसने कहा देखो, हम में से जो ये साबित कर देगा ना, जो दुनिया में पहले आया है जो जानवर, वो इस गठरी का मुस्तहिक है, ये हम उसे खिला देंगे। ऊंट का ख्याल था मैं दुनिया में पहले आया। तो ऊंट ने दुम्बे से कहा तुम साबित करो। दुम्बे ने कहा देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लटाया था, वो नहीं ज़बह हुआ तो क्या आया था फिर जन्नत से, सबने कहा दुम्बा। उन्होंने कहा देखो मैं इतना पुराना, वो रिवायत सही नहीं है लेकिन बहरहाल ऊंट को क्या पता कि ये सही हदीस है या ज़ईफ हदीस है। ये रिवायत मुस्तरद है या गैर मुस्तरद, तो आजकल लोगों को नहीं पता होता। तो दुम्बे ने कहा देखो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से हूँ। ऊंट परेशान हो गया, वही तो बहुत पुराना निकला, मैं कैसे साबित करूं। बैल ने कहा दुम्बे से कि एक्सक्यूज मी, ठीक है, क्योंकि बैल हिस्ट्री जानता था ज्यादा। उसने कहा देखो, जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, खेती बाड़ी की तो ही खुराक मिली ना, तो उस वक्त ट्रैक्टर तो इजाद हुए नहीं थे, तो हल के तौर पर किस जानवर को इस्तेमाल किया होगा। सबने कहा भाई बैल, बैल ही होता है ना। बैल ने कहा इसका मतलब है मैं तुमसे भी पहले। अब ऊंट हैरान ये हुआ कि इससे पहले तो हिस्ट्री लिखी नहीं गई, लिखा नहीं गई। लेकिन गवर्नमेंट किसकी है, ऊंट की। पावर किसके पास है, ऊंट के पास। वह इतना लंबा है ऊंट ने वो गठरी उठा के अपनी गर्दन पर रख ली। दोनों ने बोला भाई तुम अपना पुराना होना साबित करो। उसने कहा मैं सबसे बाद में आया। उसने कहा फिर गठरी हमें दो। उसने कहा हिम्मत है तो उतार लो। इट इज कॉल्ड बदमाशी। What does it call? What did it call? बदमाशी। तो दुनिया में निजाम जो इस वक्त चल रहा है, वो उसकी जो बेस है वो किस पे चल रही है, बदमाशी पे। मैं तहजीब याफ्ता हूँ, बेशक मैं जो मर्जी करता रहूं, क्योंकि हुकूमत अगर मेरे पास है तो तहजीब के उसूल कौन वजा करेगा, मैं करूंगा। मैं देखूंगा कि अगर मैं शराब पीता हूं तो मैं लॉ ये बनाऊंगा कि शराब बुरी चीज, बोलो ना भाई, शराब गंदी नहीं है, नापाक नहीं है, आपको गंदा नहीं करती, आपको नापाक नहीं करती, ये नापाक है ही नहीं, इसको किसने कहा नापाक, बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह ना करे अगर कोई शख्स बदकारी करता है, जिना करता है, लेकिन पावरफुल है, तो तहजीब की डेफिनेशन में जिना को क्या करेगा, वो निकाल देगा। वो कह रही ये क्या है, यहां तक कि आप देखें बैनुल अक्वामी कवानीन जो बन रहे हैं, ये लोग बोलते हुए भी शर्म आती है, घिन आती है। होमोसेक्स को भी उन्होंने क्या कर दिया, जायज कर दिया, लड़का लड़के से लड़की, जो वो अमल जो हर दौर में इंतहाई गंदा और इंतहाई पलीद समझा जाता है। हमारे यहां कोई तहजीब याफ्ता आदमी ये काम करे तो तहजीब याफ्ता कहलाएगा, जी बहुत मुहज्जब इंसान है। कैसे मुहज्जब है, इसके ताल्लुकात हैं फला लड़के से, तो आप कहोगे यार ये मुहज्जब है, इसके लिए तो गालियां भी ऐसी लोगों ने रखी हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म की गालियां ऐसे लोगों के लिए रखी हुई।
लेकिन चूंकि दुनिया हमारे हाथ में नहीं है, कानून हमारे पास नहीं है, तो हर बुराई को अच्छाई, हर अच्छाई को बुराई। लेबल अच्छा होना चाहिए, लेबल, लोग लेबल को देख रहे हैं, उसके पीछे जो हकीकत छुपी हुई है उसको नहीं देख रहे। और चित्राल में भी यही हो रहा है, माजरत के साथ, हो नहीं रहा लेकिन होने जा रहा है। विमेन राइट्स, औरतों की आजादी के नाम पे यहाँ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में बेहयाई फैलाई जा रही है कि नहीं फैलाई जा रही, बताओ। मैं, हम यूनिवर्सिटियों के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं जितनी यूनिवर्सिटियां हैं इससे डबल कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। हमें तो यहाँ पढ़ाई का रेशो देख के खुशी हुई है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए, मदद के लिए, कौम के लिए काम कर सकते हैं अनपढ़ के नस्बत। तो एजुकेशन औरत का भी हक है और मर्द का भी हक है, लेकिन इस एजुकेशन के लेबल पे लगा के जो बेहयाई फैलाई जा रही है, इससे आपका खानदानी निजाम तबाह होगा कि नहीं होगा? हम हैरान होते हैं, हमारे पास किसी मदरसे के वालिदैन की तरफ से फोन नहीं आता कि मेरा बेटा मेरे साथ बदखलाकी करता है, बदतमीजी से बात करता है, कभी नहीं फोन आता। यूनिवर्सिटियों में भरे हुए केसेस, चाहे कराची में हो, पंजाब में हो, कहीं भी हो, वालिदैन भारी भरकम फीसें दे के बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन औलाद उनके हाथ से निकल, बेटियां भी और बेटे भी, लेकिन इसको नाम क्या नाम दिया जाता है? लिबरलिज्म का। ब्रॉड माइंडेड है हम, क्या हैं? खुले जहन के। हमको अपनी रिवायात और ये सब पुराने जमाने के पुराने किस्से हैं, ये रिवायात, ये इस तरह से सिखाया जा रहा है। जल्द निकाह को दकियानूसी बना के पेश किया जा रहा है कि आप ये निकाह एजुकेशन की राह, एजुकेशन में रुकावट है, तरक्की की राह में रुकावट है। हालांकि निकाह तो इंसान की नेचर है, जैसे रोटी खाना इंसान की फितरत है ना, ऐसे ही बुलूगत के बाद शादी करना इंसान की फितरत है। जो तुम्हें फितरत के रास्ते से हटाए वो तुम्हारा कैसे खैर ख्वाह हो सकता है? और निकाह में ताखीर के जरिए जो तूफान बदतमीजी, जिना और लड़कियों से दोस्तियां और व्हाट्सएप और फेसबुक पे चैटिंग, ये सब औरत के हुकूक के उनवान से मुआशरे में फैलाया जा रहा है। और इन तहरीकों का जोर यहाँ बहुत ज्यादा है बनिस्बत दूसरे इलाकों के, इसलिए कि जहां देखो शैतान वहां आता है ना जहां उसे अपना शिकार नजर आता है। तो इन इलाकों में उलमा का एहतराम है, असातिज़ा टीचर्स का एहतराम है, बुजुर्गों का एहतराम है, मेहमान नवाजी है, हया है लोगों की आंखों में, औरत का एहतराम है। तो इसलिए शैतानी कुव्वतों की जो मेहनत का मरकज है वो ये इलाके ज्यादा हैं, इनको तबाह करो। नस्ल रोकने की कोशिशें भी यहाँ ज्यादा हैं, बेहयाई फैलाने की कोशिशें भी यहाँ ज्यादा हैं, शराब का कल्चर और ये तमाम जो 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 चीजें नस्ल इंसानी के लिए और इंसानी तहजीब को तबाह करने का जरिया है, उनका सारा जोर कहाँ है? यहाँ। और लेबल क्या है? इंसानी हुकूक, औरत के हुकूक और एजुकेशन। इसलिए मुझे एक तो खुशी यहाँ पर यह हुई कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं, यहाँ उलमा दुनियावी तालीम से भी आरास्ता है। तो मैं खास तौर पर यहाँ के उलमा से गुजारिश करूंगा कि एजुकेशन का निजाम अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, यूनिवर्सिटियां बनाएं, जैसे जामियतुर रशीद बना का एक विजन है। आप यूनिवर्सिटियां खुद बनाएं, आप कॉलेजेस खुद बनाएं, आपकी छत के नीचे लोग इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, छत उनको आप प्रोवाइड करेंगे। तालीम तो सारी दुनिया में एक ही जैसी है, माहौल कौन देगा उनको? आप देंगे, आपकी मर्जी का माहौल होगा, वरना आपकी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। वही नंग धड़ंग हिसाब होगा जो दुनिया का हो चुका है, जो बाहर से बहुत अच्छा नजर आता है लेकिन जब आप उनके घरों में जाओगे तो आपको पता चलेगा। आप खुद सोचो यार, जो कौम अपने बूढ़े बाप को घर रखने के लिए तैयार ना हो, क्या क्या तहजीब याफ्ता कौम होगी? जापान के साइंसदान दुनिया में बड़े मशहूर है या नहीं है? बाप को घर में नहीं रखते, वो लानत भेजते हो ऐसी एजुकेशन पे नहीं भेजते। उन्होंने गाड़ियां बना ली एक से एक, हम भी जब गाड़ी देखते हैं जापानी होनी चाहिए, लेकिन औलाद जापानी? बोलो ना भाई, मेरा कोई बेटा जापानी पैदा हो जाए मैं तो पहले ही घर से निकाल दूंगा, इससे पहले कि वो मुझे घर से निकाले।
बहुत मुश्किल है भाई बात समझाना, पुलिस पुलिस का इंतजाम है यहाँ पे, बात समझ में नहीं आ रही होती पुलिस बुलवानी पड़ती, इंतजाम नहीं है पुलिस का, तो फिर कैसे समझ में आएगी बात यार। तो बताओ अगर तहजीब याफ्ता होते, सिर्फ एक चीज को फोकस किया जा रहा है, तरक्की 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 तरक्की, वो ये बना लिया वो बना लिया ये बना लिया, इंसान को इंसान नहीं बनाया, इंसान को इंसान सिर्फ इस्लाम बनाता है। बोलो भाई कौन बनाता है? सिर्फ इस्लाम। और एजुकेशन की भी जो फजीलत इस्लाम में है वो दूसरों के यहाँ नहीं है, हमारे साइंसदान है जिनसे दुनिया ने हमसे सीखा है, ये तो हमारी किताबें जला दी गई हैं, हमारे साइंसदानों के नाम मिटा दिए गए, उनकी सारी तहकीकात अपने खाते में डाली गई हैं, दो चार साइंसदानों के नाम रह गए हैं हिस्ट्री में, क्योंकि जब गवर्नमेंट उनके पास आई है तो सारे निशाना खत्म कर दिए। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फल्कियात के बहुत माहिर थे, एक किताब भी उन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ी, सारा अलबैरूनी साइंटिस्ट की इक्वेशन जो उसने लिखी है वो उसे पढ़ के हजरत ने फल्कियात का इल्म सीखा। कर्व ट्रिग्नोमेट्री की जितनी इक्वेशन आज अंग्रेज पढ़ा रहे हैं ना वो सारी किसकी है? अलबैरूनी की है। लेकिन आपको कहीं भी नहीं सुनने को मिलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो दुनिया भर में मुसलमान गए और मस्जिदों की बुनियादें रखी और सारी मस्जिदें बैतुल्लाह की तरफ हैं, तो क्या कोई हुदहुद परिंदा आके उनको बताता था कि ये दिमश्क में क़िबले का रुख इस तरफ है, मिस्र में क़िबला इस तरफ है, जापान में क़िबला, इस पूरी दुनिया में जहां भी जाओ मुसलमान नजर आएंगे ना हजार। मैंने हांगकांग में देखी सदियों पुरानी मस्जिद, सदियों पुरानी, वहां भी गए थे, सदियों पहले मुसलमान गए हैं, तो उन मस्जिदों का रुख भी किस तरफ है? क़िबला। किस कोई साइंटिस्ट होंगे ना मुसलमान जिन्होंने बताया होगा कि यहाँ है क़िबला। ऐसा हमारी तारीख को मत किया है। ये तो तैयब उर्दुगान को अल्लाह जजाय खैर दे, उसने उर्दुगल ड्रामा बना के कुछ मुसलमानों की हिस्ट्री दिखाने की कोशिश की। ड्रामों के जायज होने का फतवा मैं नहीं दे रहा, और कौन सा बाकी काम हमसे फतवा लेके करते हो, फिल्में हमसे पूछ के देखते हैं, मुझसे लोग पूछे ये ड्रामा देखना जायज है फोन करने, मैं तू बता तूने फिल्में कितनी देखी है इंडियन, किसी एक फिल्म से पहले फतवा लिया कि जायज है या नहीं? जो हीरोइन पी रहा हो वो चर्च पीने से पहले मुफ्ती से पूछ रहा है जायज है या नहीं है। मुफ्ती कहेगा कम से कम चर्च हीरोइन से तो बहरहाल क्या ख्याल है भाई, बेहतर है ना। तो यहाँ पता चले यहाँ भी बहुत सारे लोग वो ड्रामा देख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी में देखे, कयामत में मेरे कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला देना। हम लोगों को मना इसलिए नहीं करते कि उससे तो कम से कम बेहतर है ना, वो हिस्ट्री तो पता चल रही है लोगों को, तारीख तो पता चल रही है। तो हमारी तारीख को मत किया गया है, वरना हमारा बड़ा शानदार माजी है, अब तबाह हो गए हम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो जो तहजीब इस्लाम ने बताई है, इस्लाम के अलावा कोई कौम कोई मजहब उसकी खाक के बराबर भी नहीं है, औरत के जो हुकूक इस्लाम ने बताए हैं कोई उसकी खाक को भी नहीं पहुंच, उसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस्लाम जब औरत के हुकूक बयान करता है तो माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में, बीवी की सूरत में, दादी और नानी की सूरत में, सास की सूरत में, भतीजी और भांजी की सूरत में। जब गोरा बयान करता है ना तो मार्केट में माँ भी गायब, बेटी भी गायब, बीवी भी गायब, बहन भी गायब, भतीजी भी गायब और भांजी भी गायब, बस एक क्या रिश्ता है, ना महरम औरतों के हुकूक बयान करता है। तो महरम तो मार्केट से क्या हो गए, जब एक आध बच्चा होगा तो खानदान होगा यार, फिर पुलिस बुलवानी पड़ेगी थी यार। अरे जब जिस कौम के एक एक दो दो मुश्किल बच्चे पैदा होते हो उनमें चचा खाला मामू पीता या कजन भतीजी भतीजियां भांजियां होती है पैदा, आपके दादा की अगर एक आध बच्चा होता तो आपके चाचे होते, आपके फूफियां होती, आपके वालिद साहब के एक आध होते तो आपके भाई भतीजियां भांजियां होती, तो हुकूक कहाँ, हुकूक का क्या होता? अच्छा तो हुकूक का क्या होता मुझे बताओ। तो हुकूक तो जब ही बनते हैं ना, जब खानदान बनता है फिर इंसान में इशार है, कुर्बानियां हैं, बाप औलाद के लिए कुर्बानियां देता है बचपन में,
फिर औलाद किसके लिए कुर्बानियां देती है? बाप के लिए बुढ़ापे में। उलमा मदरसों में शागिर्दों के लिए कुर्बानियां देते हैं। हमारे उलमा थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में, बहुत कम कम तनख्वाहों में पूरा पूरा दिन तलबा पे खर्च करते हैं, तो तालिबिल्म भी उनका क्या एहतराम करता है कि नहीं करता? कितनी खिदमतें हमारे मदरसों में असातिज़ा की होती है। अब हम यहाँ सफर करते हैं, हमें कोई पुराना शागिर्द मिल जाए, जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। वो अहबल तरीके से इकराम करना चाहता है और अहबल इकराम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जबरदस्ती खिलाएगा, वो पांव दबा रहा है, वो जूते पॉलिश कर रहा है। ये चीज आपको यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटियों के मैं खिलाफ नहीं, कोई खुदा न खास्ता कल ताले पड़े हुए हो कहीं, वरना तो कहीं के भी नहीं रहोगे। एजुकेशन तो दे रही है ना, कम से कम एक फायदा तो हो रहा है। मकसद बताने का ये है कि यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन यही होती जो अब है, माहौल वो होता जो कहाँ है, मदरसों में है। हीरे पैदा होते यहाँ से। अब आ रही है समझ में बात? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो जमाना जाहिलियत को नहीं जानता ना, वो इस्लाम की खूबियों को नहीं जानता। लोग कहते हैं गैर मुस्लिम झूठ नहीं बोलते, वो ये छोटे मोटे हमारी तरह पान गुटखा बेचने के लिए झूठ नहीं बोलते, उनके बैनुल अक़वामी सतह पे खानदानी झूठ होते हैं। समझ रहे हो? ये तो हमारे यहाँ मस्जिद से चप्पल चुरा ली और वो कुंडा लगा दिया, ये छोटी मोटी नीच हरकतें। उनके ऐसा नहीं होता, वो जब डाकू बनते हैं डेजी कटर बम बरसा के पूरे मुल्क का खजाना लूट के चले जाते हैं। फिर पुलिस बुलवानी पड़ेगी भाई, इतनी दफा पुलिस तो मुझे कराची में नहीं बुलवानी पड़ी भाई। ये सारी दुनिया देख नहीं रही है क्या हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनको क्या जरूरत है ये मजे से चप्पल चुराना और ये कस्टमर को ठगना, ये छोटे मोटे काम? तो भाई जब रहोगे ना तो पता चलेगा, तुम्हें इस्लाम से मोहब्बत होगी। मैं मानता हूँ कि बहुत सी कौम में बहुत सी खूबियां भी हैं, हर कौम में सारी बुराइयां नहीं होती, बहुत सी खूबियां भी हैं। मैं बार बार एक वाकया बताता हूँ, लोग मुझसे, एक साहब मेरे से उलझ गए, यार गोरे में इतनी खूबियां आप खाम खामे। मैंने कहा गोरे में एक खूबी तो हमें नजर आती है, गोरा है वो, कलर उसका क्या है, गोरा है ये भी तो खूबी है ना, है ये नहीं, हम सारी खूबियों का इनकार नहीं करते हम। लेकिन आज जो खूबियां नहीं है वो भी उनके खाते में डाले जा रही है, और जो हम में खूबियां हैं उनको खामी बनाकर पेश किया जा रहा है। बात सहाफी टेलीविजन पे ऐसे बैठे हैं जो हर वक्त जूता दिखाते रहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम करप्ट हो, तुम चोर हो, तुम यूं हो। ओ भाई दुनिया में जितना पाकिस्तानी कौम खर्च, डॉक्टर जाकिर नाइक से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं जो काम कर रहा हूँ 50% इन्वेस्टमेंट अकेले पाकिस्तानियों की है, सिर्फ मुसलमान नहीं, उनमें ये क्रेडिट किसको जा रहा है? पाकिस्तानी जिनको दुनिया में सबसे बड़ा क्या कहा जाता है, चोर कहा जाता है। लोग कहते हैं ये मीडिया ने बनाया दिमाग, दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाली कौम मिन हैसुल कौम कौन सी है? पाकिस्तानी कौम। एक एक ताजर इतना खर्च करता है मदारिस पर, बेवाओं पर, यतीमों, इस कौम को कोई जगह मिल जाए ना कि कोई फ्रॉडी ना हो, पता चल जाए, फिर देखो कैसे लोगों के तिजोरियों के मुंह खुलते हैं लोगों के। ओ भाई इतना तो सभी खर्च करते हैं ना, अप्पा को भी खिला रहा है, दादी को भी खिला रहा है, नानी को भी खिला रहा है, बीवी को भी, और 15 बच्चों को भी खिला रहा है। ये भी तो खर्च करना हुआ ना, ये जर्फ है गैर मुस्लिमों में नहीं है। उनकी गवर्नमेंट उनसे जबरदस्ती टैक्स काटती है और फिर गरीबों को खिलाती। मैं कंट्री में गया, गोरे का मुल्क था, बड़ा मुतासर था मैं जाने से पहले कि यार गरीबों को बड़ा ख्याल किया जाता है, गरीबों पे गवर्नमेंट बड़ा खर्च करती है, बूढ़ों पे खर्च करती है, बड़ा हटो बच्चों टाइप का मजा हो गया। अब हटो बच्चों कराची का है वो आपको समझ में नहीं आया, आ रहा है ये हटो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जंगलात तक हमने फैला दिया। तंजानिया में एक साहब ने मुझसे पूछा ये हटो बच्चों क्या होता है, मैंने कहा इसके हटो बच्चों ऐसे समझाऊंगा तो मजा नहीं आया, ऐसे तो मतलब ये बच्चों को हटाओ यहाँ से, तो क्या हुआ इसको, मतलब थोड़ी हुआ। तंजानिया में क्या क्या कह रहा था मैं, पता नहीं तंजानिया कहाँ से चला गया मैं। हाँ मैं बता रहा था कि एक कंट्री मेरा जाना हुआ गोरों से, तो बड़ा मुतासर था भाई गरीबों का इतना ख्याल, बूढ़ों को इतना अलाउंस।
جب گیا تو واقعی الاؤنس مل رہا ہے غریبوں کا بوڑھوں کا بڑا خیال. پتہ یہ چلا کہ آدھی تنخواہ ٹیکس میں کٹتی ہے ان لوگوں کی, آدھی کے قریب قریب. تو یہ کون سا خیال کرنا ہو گیا بھائی, یہ کوئی خیال کرنا ہو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ اپنے چھوٹے معذور بیٹے کا بڑا خیال کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ دو بڑے بیٹوں کی پوری تنخواہ رکھ کے آدھی ان کو دیتا ہے, آدھی کس کو کھلا دیتا ہے؟ چھوٹے کو. یا باپ کی مثال بھی یہاں فٹ نہیں آئے گی. محلے میں ستار بھائی, آپ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا بہرحال, محلے میں ستار بھائی ہیں, وہ غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ مالداروں کی سے آدھے پیسے لے کے کس کو دے دیتے ہیں؟ غریب کو. بلکہ پورے غریب کو نہیں, آدھے خود رکھتے ہیں, آدھے اس میں سے غریب کو دے دیتے ہیں. یہ خیال رکھنے کی کون سی قسم ہے بھائی؟ یار آدھی آدھی تنخواہیں ٹیکس میں کاٹ رہے ہو لوگوں کی, یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ چاہے وہ کس کروڑ پتی ہے تاجر, لیکن اپنی محنت پر ہے نا, وہ ایبلٹی ہے اس کے اندر, قابلیت ہے, تو اتنے پیسے کمپنی اس کو دے رہی ہے, اس میں سے آپ 40%, 43%, 50% ٹیکس کاٹ رہے ہو, تو غریب کو کھلا کے کیا احسان کیا آپ نے؟ ہمارے ہاں الحمدللہ روڈوں پہ آپ کو بھوک سے مرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئیں گے. اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ ٹیکس کاٹتی ہے اتنا, گورنمنٹ کو تو جتنا کاٹنا چاہیے اتنا بھی ٹیکس نہیں کاٹ سکتی, لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہے نا گورنمنٹ پر, اس میں بھی لوگوں نے کھانچے کھولے ہوئے اپنے. یہاں لوگ کرتے ہیں, لوگ خیال کرتے ہیں. گورنمنٹ, آپ نے یہ سنا ہوگا بوڑھوں اولڈ ہوم میں گورنمنٹ بہت خرچ کرتی ہے. اب عجیب پاگل پنے والا نظام دیکھو, گورنمنٹ آپ کی تنخواہ سے آدھا, تقریباً آدھے کے قریب قریب تنخواہ کاٹے گی, اولڈ ہوم میں بوڑھوں کو پالے گی. تو اب بھائی یہ خود ہی پال لیتا گھر میں, اچھا نہیں تھا؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جو گورنمنٹ بوڑھے کو پال رہی ہے, بچے کو مکلف نہیں بنا رہی کہ تو اپنے باپ کو پالے گا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ احسان ہم تم پہ کریں گے, تمہارے ابا کو کون پالے گا؟ ہم پالیں گے. کیسے پالیں گے؟ آدھی تنخواہ تم سے کاٹیں گے. کون سا احسان کر دیا بھائی آپ نے؟ یہ تو انسانیت تو نہ ہوئی نا, کہ جس نے جنا ہے, جس باپ نے, جس ماں نے جنا ہے, تو اولاد میں اتنی اخلاق نہیں ہے کہ اپنی تنخواہ سے اس کو پال لے. ان کو پتہ ہی نہیں پالیں گے کمبخت, ان کمبختوں سے زبردستی آدھے آدھے پیسے لے کے ان کے باپ کو کھلاؤ اولڈ ہوم میں جا کے پھر پالیں گے. تو یہ تہذیب ہے بتاؤ؟ یہ وہی ہے کہ بھنگی نے بدبو کا نام کیا رکھ لیا, خوشبو. بس مینجمنٹ بہت ٹائٹ ہے, ہر کام کس سے ہو رہا ہے؟ مینجمنٹ. یعنی یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا, یہ بھی ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے, تو اس لیے وہ دیکھنے میں برا لگتا نہیں. اور ہمارے عدل بھی بغیر سسٹم کے ہو رہا ہے تو وہ برا لگ رہا ہوتا ہے. ٹیکس لینے بھی آئیں گے نا, ایسا لگ رہا ہے کہ گرفتار کرنے آئے ہیں ہم ایف بی آر والے, ایسا لگے گا نا. ہمارے اگر عدل بھی ہو رہا ہے تو کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, اور ان کے ہاں اس سے کئی گنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, مگر ایک سسٹم کے تحت, سسٹم بنا دیا انہوں نے, ہر آدمی سسٹم میں جکڑا ہوا ہے. اور کتنے لوگوں کو وہ کھلاتے ہیں غریبوں کو, اس کے باوجود بھی بھکاری آپ کو ہول سیل کے حساب سے نظر آئیں گے. وہاں میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا, یار ان کو تو $3,000 فری پکڑ کے مل رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کیوں مانگتے ہیں؟ وہی بات ہے کہ تہذیب مارکیٹ سے کیا ہے. ہمارے یہاں کسی غریب کو 3,000 دے دو وہ تو مر جائے گا نا. وہ ایک واقعہ ہے نا, ایک آدمی کی 1 ارب روپے کی لاٹری نکل گئی. تو جس کمپنی کے ہاں اس نے قراندازی کی تھی, لاٹری نکلی تھی, تو ماہر نفسیات سے اس کمپنی نے رابطہ کیا, ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر سے, کہ تم اگر اس کو ابھی جا کے بتاؤ گے تمہاری 1 ارب کی لاٹری نکلی ہے, کہیں خوشی سے مر نہ جائیے. تو اس کو آرام آرام سے نا ماہر نفسیات کو بھیجا, آرام آرام سے اس کو سمجھانا, بڑے آرام آرام سے, تھوڑا تھوڑا, پہلے 10 لاکھ, پھر ہوتے ہوتے نا, تاکہ ایک دم خوشی نہ ہو, مرے نہیں. تو وہ ماہر نفسیات ڈاکٹر چلا گیا اور کہنے لگا, ہاں وہی وسیم بھائی, فرض کرو تمہاری 10 لاکھ کی لاٹری نکل آئے, کیا کرو گے؟ ہاں بہت خوش ہوں گا, یہ کرو. فرض کرو 20 لاکھ کی نکل آئے, پھر کیا ہو؟ اب یہ فرضی پر لا رہا ہے 1 ارب تک. تو اب وہ بھی فرضی سمجھ رہے ہیں نا, اس کو تھوڑی پتا کہ حقیقت میں ایسا ہے. بالآخر آہستہ آہستہ 1 ارب پہ لے آیا, کہہ رہا یار فرض کرو 1 ارب کی لاٹری نکلی تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا ابھی تمہیں دے دوں گا, وہ مر گیا.
ये सुन के मायने नफ्सियात मर गए, समझ रहे हैं? तो उनको तो ये जवाब की तवक्को ही नहीं थी ना कि आधे मुझे दे देगा, मायने नफ्सियात मर गया सुन के। तो हमारे यहाँ किसी गरीब को ये बताया जाए कि बेरोजगारों को $3,000 फ्री में मिलेंगे, वो खुशी से मरेगा कि नहीं मरेगा? तो बाद लोगों को मिल रहे हैं फिर भी क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। क्यों? इसलिए कि गवर्नमेंट ने जब उनको दिए तो वो उन्होंने नशे में शराब में उड़ाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ किसी गरीब को 3,000 मिले हैं, हमारे यहाँ भी नशे ही हैं होलसेल के हिसाब से, जर्सी भी मिलेंगे मार्केट में आपको, हीरोइन भी मिलेंगे, लेकिन जितनी हीरोइन और चर्स हमारे यहाँ इसका वसूल आसान है, इतनी उनके मुल्कों में आसान हो जाए तो 99% लोग चर्स पीना शुरू कर दें वहां पे। हमारे यहाँ अगर चर्स या हीरोइन का रेशो इतना कम है तो कानून की वजह से नहीं, उसमें कानून का भी दखल है, असल वजह क्या है? इस्लाम। मैं ये वाकया कई लोगों को बता चुका हूं कि हमारे यहाँ जिन लोगों का काम है ना चर्स पे पाबंदी, अभी ये वाकया सुनेंगे तो मजा आएगा। मैंने इस दफा 40 बछड़े खरीदे कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी के लिए, बिजनेस के नुक्ते नजर से और भी लोगों का इश्तराक था, हम लेकर आए बछड़े तो हम तो बछड़े पाल नहीं सकते, भागलपुर से मैंने 40 बछड़े खरीदे, बंदा भी हमने कहा चलो वहीं से ले आते हैं, जब बछड़े आ सकते हैं तो बंदा नहीं आ सकता, एक हम रेंट पे आदमी भी ले आए उनको पालने के लिए, बछड़े लाके बांधे, कोई जमीन किराए पर ली, बछड़े लाके बांधे, वो बंदा भी वहां रखा, भाई तू इनकी खबरगिरी करेगा तुझे इतना कमीशन हम देंगे, तो कमीशन में इतनी बता सकता कि ऐसा ना हो फिर वो रेट खराब हो जाए ना, तो भाई तुझे इतना कमीशन हम देंगे, वो बंदा काम ही नहीं करके दे रहा, ना जानवरों को चारा डाल रहा है, ना उनकी सफाई का ख्याल कर रहा है। मैंने लड़कों से पूछा यार जाओ इसको बोलो कि कुछ जानवरों का ख्याल करे, तुम्हें पैसे दे रहे हैं फ्री में थोड़ी। उसने कहा यार मैं चर्स पीने का आदी हूँ, मुफ्ती साहब से बोलो मेरे लिए कहीं से चर्स का इंतजाम। अभी अभी मजा अभी आएगा आगे, अभी ये तो ऐसे ही है। मैंने कहा यार मैं मुफ्ती साहब भी बोल रहे हैं मुझे और इसके लिए मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई हम तो नहीं करेंगे इसके लिए चर्च का इंतजाम। हमने उसको निकाल दिया। अब वो बेचारा परेशान कि चर्च कहीं, तो किसी ने बताया कि थाने से मिलेगी, पता नहीं भाई पुलिस वाले बैठे हो माजरत सही का गलत का, लेकिन बहुत से लोगों से तफ्तीश की है तो सबने एक ही बात बताई कि कहीं भी नहीं मिल रही हो तो कहां मिलेगी? थाने से। अब अंदाजा लगाओ यार जिस मुल्क में थाने से चर्स मिलती हो उसमें तो 99% लोगों को चर्सी होना चाहिए ना, फिर भी नहीं है। क्यों? इस्लाम है, इस्लाम रोक रहा है, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। इस बुराई से किस चीज ने रोका हुआ है? इस्लाम ने। नशा दुनिया में जितने हादसात नशे से होते हैं ना, इतने किसी और वजह से नहीं होते। तो मैं लोगों से एक बात कहता हूं यार, हमारे हुक्मरान एक हफ्ते के लिए उनको दे दो, गोरों को, उनके एक हफ्ते के लिए हमें दे दो, हम उनसे आगे ना निकल के दिखाएं तो हमारा नाम बदल देना, और वो हमसे 100 साल पीछे ना हो जाएं तो हमारा नाम बदल देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो उनके पास एक सिस्टम है, गलत है लेकिन एक निजाम है ना। हमारे पास तेरे से कोई हुकूमती सतह पे निजाम बर्बाद हुआ हुआ है। हम अगर खड़े हुए हैं तो इस्लाम के बलबोते पर, तो इसलिए मेरे भाई हमारे पास इस्लाम से मोहब्बत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने आप को बर्बादी से बचाने के लिए। और इस्लाम से मोहब्बत का मतलब सिर्फ लफ्जी मोहब्बत नहीं है, इस्लामी कल्चर भी इख्तियार करना है, इस्लामी माहौल घरों में भी लेकर आना है, नमाजें भी कायम करनी है, जकात भी देनी है, सदकात और खैरात भी देनी है। जमीन से जब पैदावार उठती है तो कुरान ने क्या कहा? आतु हक्कहु यौमा हसादिही, जिस दिन फसल कटती है अल्लाह का हक अदा करो। गोरा अल्लाह का हक नहीं जानता, हिंदू नहीं जानता अल्लाह का हक क्या होता है, सिख नहीं जानता अल्लाह का हक क्या होता है, कैलाश के लोग नहीं जानते अल्लाह का हक क्या होता है, सिर्फ मुसलमान को पता है। वह आतु हक कहू, क्योंकि अल्लाह ने इससे पहले क्या फरमाया? हमने आसमान से पानी बरसाया, हमने जमीन से पैदावार उगाई। गैर मुस्लिम कहता है ना 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 ना, अल्लाह नहीं है करने वाला। अल्लाह कहते हैं मैंने किया है, मैंने
زمین کھود کے دیکھو نہ انار کا رنگ نہ انار کا ذائقہ نہ آم کا رنگ نہ آم کا ذائقہ نہ انگور کا رنگ نہ انگور کا ذائقہ میں ہوں اپنی طاقت سے مٹی کو خربوزہ بنا دیتا ہوں مٹی کو سیب بنا دیتا ہوں مٹی کو انار بنا دیتا ہوں لہذا جس دن فصل کٹا کرے حقہ اللہ کا حق ہے حق تو یہ کہ سارا اس کو دے دو لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نو حصے اپنے پاس رکھو ایک حصہ میری خاطر کس کو دے دو میری مخلوق کو کھلاؤ آج زمینداروں نے عشر ادا کرنا چھوڑ دیا جو زمین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اس میں دسواں حصہ دینا پڑتا ہے اور جس زمین کو آپ خود سیراب کرتے ہیں اس میں بیسواں حصہ دینا پڑتا ہے تو آج سے عزم کرو انشاءاللہ یہ حصہ ادا کریں گے ابھی دو تین احکام معذرت کے ساتھ وقت ہے جی حضرت کیونکہ اسلام سے محبت تو ہمیں کرنی ہے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ انسان بننے کے لیے انسان کا بچہ بننے کے لیے اور کوئی آپشن انسان کا بچہ صرف اسلام ہی بناتا ہے باقی لیول ہیں تو پھر پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا نا صرف ٹوپی رکھ لی اس سے تھوڑی مسلمان ہو جاتا ہے اتنی ٹوپی سر پہ رکھتے نہیں جتنی دوسروں کو کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپی دوسرا نماز تو سب سے پہلے ہے بھائی سب سے پہلے کیا ہے نماز وہ تو ہے ہی معاملات دیکھو میں یہاں کے پی کے میں بہت سے علاقوں میں گیا ہوں ایک کمزوری بہت ملی ہے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ کہہ رہا ہے میں وصیت کر رہا ہوں دیکھو وصیت کسے کہتے ہیں جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو آخری کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے وصیت وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اب لوگوں نے کہا بیٹے جمع ہو گئے ابا کوئی وصیت کریں آپ تو فوراً آپ کہتے ہیں ہاں میں وصیت کرتا ہوں بچے آگے نا کاغذ قلم لے کے ابا کوئی بہت اہم بات کرنے والے ہیں کیونکہ ابھی آخری کلام ہے تو آپ نے کوئی فضول بات کر لی ہے بھائی تو وقار کم ہو جائے گا نا آپ کا تو وصیت بہت اہم حکم کو کہا جاتا ہے اللہ پر موت واقع نہیں ہوتی لیکن اللہ نے یہاں اپنے لیے لفظ کون سا استعمال کیا وصیت کا یہ وصیت کا لفظ اللہ والدین کے حقوق کے بارے میں استعمال کیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے وصیت کی ہے اور وصیت کا لفظ اللہ یہاں بھی استعمال کر رہے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین بیٹے کو دگنا تو آدھا کس کو ملے گا بیٹی کو اور بیٹی کو حصہ آج کل بہن کا حصہ باپ تو بیچارہ مر جاتا ہے بھائی بہنوں کا حصہ کھا جاتا ہے نہ زمین میں حصہ بھی معاف کرا لیا جاتا ہے یہ بھی جو بہت زیادہ نیک ہے وہ معاف کرواتے ہیں معاف کروانا ہونا تو پہلے 2-3 کروڑ کی رقم اس کے ہاتھ میں رکھا کرو بولے تمہارا حصہ ہے ایک دن اس کو اپنے ہاتھ میں گھماؤ پھر اگلے دن معاف کر دو پھر معافی سمجھ میں آتی ہے واقعی دل سے معاف کیا ہے اوپر اوپر کی معافی وہ تو بہنوں کو تو ویسے ہی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے نا تو بھائی ارادہ کرتے ہو نا کہ بہنوں کو ان کا حصہ تو دنیا اگر حرام ہی کھانا ہے تو پھر سابق صدر سے کو کیوں پھر ہم وہ تو سب سے اچھے پھر وہ ہیں نا جو ہمارے سابق صدر تھے 5 سال کامیابی کے ساتھ گزار کے گئے ہیں ان پر یہی تو الزام ہے نا کھایا بہت ہے انہوں نے تو بھائی ان پہ اور ہم میں کوئی فرق ہوگا پھر بھائی ان کے پاس کھانے کے وسائل زیادہ تھے زیادہ کھا لیا ہم صرف بہن کی کھا سکتے ہیں محلے میں اور کسی کا کھا کے دکھاؤ وہ تمہیں مار دے گا جان سے تو ہم یہ مسجد کی اذان ہو رہی ہے اچھا موبائل تو ہم تو بہن کا کھا سکتے ہیں وہ کمزور ہے وہ جو ہمارے محترم تھے 5 سال کامیابی سے گزار کے وہ جس جس کا کھا سکتے تھے انہوں نے کھا لیا ہم چونکہ بہن کے علاوہ کھا نہیں سکتے تو لہٰذا ہم صرف کس کا کھا رہے ہیں بہن کا تو فرق اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے جو جس پہ بس چلتا ہے آپ کھا لیتے ہو تو یہ تھوڑا مال کی قربانی دو گے اللہ کے لیے آج میں نے جب کیلاش دیکھا نا اتنی حسین وادی میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا اسے دیکھ کے جنت میں جانے کا دل چاہ رہا ہے کہ جنت کیسی ہو ابھی میں تھوڑے دن پہلے تھر گیا تھا ایسے صحرا
रेगिस्तान में शदीद गर्मी में लोग तंबू लगा के टेंट लगा के पड़े हुए हैं वहाँ, ऐसे इलाके भी हैं ज़मीन में, और ऐसी आबशारे, ऐसे चश्मे, ऐसे अनार के दरख्त और जनाब सेब से भरे हुए बागात और नाशपातियाँ ऐसे लटक रही हैं और अंगूर की बेलें और चारों तरफ क्या माशाल्लाह ग्रीनरी है। तो मैं हैरान हुआ, अल्लाह ने इसी जन्नत के हमसे वादे किए, ये तो कुछ भी नहीं है जो जन्नत अल्लाह देगा नेक लोगों को, तो अल्लाह की खातिर थोड़ी सी कुर्बानी दे दी जाए, बहन को उसका हिस्सा दे दिया जाए, आप दुनिया में थोड़ा कम कमा लो, उस कम में अल्लाह इंशाल्लाह बरकत बहुत दे। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बैरून मुल्क सफ़र करना था, तो हजरत मौलाना तारी जमील साहब, कहीं बहुत पुरानी बात है 25-30 साल पहले, तो वालदा को छोड़ के जा रहे थे, तो हजरत से मशवरा किया कि हजरत मैं अमरीका का वीज़ा आ गया, मैं जाना चाहता हूँ कमाने के लिए, लेकिन वालदा अकेली हो जाएगी। तो हजरत ने फरमाया कि वो मुझे अपना वाक्य बता रहे थे, हजरत कपड़े धो रहे थे, कहते मेरी तरफ चेहरा उठाया और कहा कि यार वहाँ कोई और अल्लाह है, यहाँ कोई और अल्लाह है, जो अल्लाह वहाँ दे सकता है या नहीं दे सकता, तो अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हो अकेली माँ। कह रहे बस वो बात मेरे दिल पे लगी, मैंने कहा भाई रिस्क कौन देगा, अल्लाह। कह रहे यहाँ माँ की खिदमत की है, इतना रिस्क अल्लाह ने दिया कि माशाल्लाह फैक्ट्रियों के मालिक हैं, सब बहन भाइयों से ज्यादा कमा रहे हैं। तो भाई बहन को उसकी विरासत दे दो, जितना बचेगा ना उससे कारोबार करो, इंशाल्लाह अल्लाह इसमें बहुत ज्यादा, बोलो भाई। और ये जो आपका कल्चर है उलमा का, बुजुर्गों का, टीचरों का, टीचर चाहे यूनिवर्सिटी में हो, स्कूल में हो, वो बाहर हाल क्या है, उस्ताद है ना, उसका एहतराम करना, बड़ों का एहतराम, और जो है छोटों पे शफ़क़त, तबलीग वाले कहते हैं ना बड़ों का एहतराम इसलिए करो उनकी नेकियां हमसे ज्यादा, छोटों पे शफ़क़त इसलिए करो उनकी बुराइयां हमसे कम, जिसकी खोपड़ी खराब होती है ना वो उल्टा सोचता है, कहता है ये जो बड़ा है ना ये मुझसे भी बड़ा बदमाश है, मैंने जो अय्याशियां की इस कमबख्त ने मुझसे भी ज्यादा अय्याशी की, लिहाजा इसका एहतराम तो बिल्कुल भी नहीं करो। और छोटे के बारे में कहते हैं कि यार हमने जो को मैंने तो हज भी किया इसने हज नहीं किया, हमने तो उमरा भी किया इसने उमरा नहीं किया, तो जब इंसान की खोपड़ी उल्टी घूमती है तो ये सोचता है, तबलीग वाले आपकी खोपड़ी को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा सेटिंग पे ले आते हैं, उनके पास पलक पाने जहाँ से ढीला होता है वो सेट कर देते हैं। तो ये है बहनों की विरासत का मामला है। और दूसरा, नमाज तो सबसे पहले इस्लाम में, मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। दूसरा, तालीम जरूर हासिल करो लेकिन अपने कल्चर को तबाह ना हो। और मैं कहता हूँ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ खुद बनाओ, जो ताजिर लोग हैं जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो अपना स्कूल बनाए भाई, को एजुकेशन सिस्टम को क्या करें खत्म, यहाँ सियासी जमातों से मुतालबा करो कि असम्बली में आवाज उठाएं कि हमें ये को एजुकेशन सिस्टम मंजूर नहीं है, ये हमारी औलादों को बिगाड़ देगा, हमारी बच्चियों को बेहुदा बनाएगा, हमें एजुकेशन चाहिए। क्या लड़के अलग और लड़की अलग नहीं तालीम हासिल कर सकती, ये क्या देखो गवर्नमेंट तो लोगों को देखती है, लोग क्या चाह रहे हैं, लोग जब एहतजाज ही नहीं करते तो गवर्नमेंट कहती है चलने दो, गवर्नमेंट मोबाइल में फोन चीजों में अपना टाइम वेस्ट और पढ़ाई को थोड़ी फोकस करते हैं। तो हाँ कुछ है, तो भाई इस्लाम से मोहब्बत करनी है कि नहीं करनी है, दूसरी बात नमाज पाबंदी से, इस्लाम से मोहब्बत का तकाजा क्या है, नमाज। तीसरी बात हुकूक और लिबाद में विरासत, बोल अब चुप हो गए, देनी है ना विरासत क्या करनी है, देनी है। जिसका जितना हक बनता है उसको उतना हिस्सा देना, और हया को मुआशरे में फरोग देना। अपनी खवातीन को समझाओ, देखो अल्लाह ने हया में जो औरत की इज्जत रखी है वो बेहया बनने में नहीं रखी, हया में जल्द निकाह को फरोग देना। इस्लाम देर से शादी का कायल है, जल्दी निकाह का कायल है, जल्दी निकाह का कायल है, लड़की बालिग हो उसका निकाह करो, तो इसको फरोग दो मुआशरे, बालिग होने के बाद भी पढ़ सकती है, निकाह के बाद भी पढ़ सकती है वो। मैं ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको बता सकता हूँ, कम उम्री में लड़कियों की शादी हुई, आज खुश है अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में और पढ़ भी रही है। अब उसकी पढ़ाई किसके जिम्मे होगी, ससुराल के जिम्मे होगी, बाप का बोझ नहीं होगा, वो किसका होगा, ससुराल का। तो अच्छा है ना, वो कमबख्त जब फायदा उठा रहा है अपनी बहू से तो उसका पढ़ाई का खर्चा भी उस पर होना चाहिए ना, बाप पे क्यों डाल रहे हो खर्चा, बाप अपनी पढ़ाई से बच्ची को डॉक्टर बनाता है, पेड़े कौन खाता है, ससुराल। चलो बेटों को बाप अपने खर्चे पे पढ़ाता है ना तो बेटे इसी पे काम आते हैं ना, बेटियों को बाप पढ़ाएगा अपने खर्चे पे, फायदा कौन उठाएगा, रेडीमेड बहुएं चाहिए आजकल, सासें तलाश कर रही होती हैं अपने बेटे के लिए, मुझे मुझे चाहिए डॉक्टर रेडीमेड,
खर्चा एक कमबख्त ने ना किया, वो फायदा पूरा कौन उठाएगा? वो ससुराल उठाएगा। इस्लाम कहता है बालिग होते ही शादी कर दो, ताकि अब ये पढ़ेगी तो किस कमबख्त के खर्चे पे, वो जो कमबख्त है ना इसका मियां, वो पढ़ाएगा इसको, क्योंकि फायदा किसने उठाना है। अब इसकी बीवी अगर डॉक्टर होगी तो इज्जत किसकी होगी? इसके मियां की होगी ना। दस लोगों को बताएगा मेरी वाइफ क्या है, डॉक्टर है। लोग पूछेंगे किसके खर्चे पे खर्चा, अब लोग पूछते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद अपना खर्चा नहीं, अपनी बहू पे खर्चा नहीं किया होता। कल को जब लोग पूछेंगे किसके खर्चे पे, कहेगा मेरे खर्चे पे। वेल डन, शाबाश, जिंदाबाद, फिर खुशी का मकाम है। अबे तूने क्या, तूने पकी पकाई और रेडीमेड बहू मिल गई है कंबक, उस बाप का तो तूने तेल निकाल दिया ना, जिसने छह बेटियों को पढ़ा लिखा के जवान किया, उनकी शादियों में, उसका क्या क्या फायदा हुआ? तो सारा निजाम क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है। आपने इसको क्या करना है? सीधा करना है। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं यहाँ जो असल दौरा मैंने किया, पार्क एड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मेरा ये दौरा है, क्योंकि यहाँ मैं थर में गया, इन लोगों की मैंने खिदमात देखी तो मैं हैरान हो गया। इंसानियत के लिए ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। मैं इस ट्रस्ट का ना मेंबर हूँ ना मेरी सरपरस्ती है, लेकिन मुझे एक ऐसा ट्रस्ट नजर आया जिस पे मैंने कहा पूरा ट्रस्ट किया जा सकता है। तो मैंने इनके काम देखे, कुएं बनाए ऐसे पसमानदा इलाकों में। चित्राल भी जो मेरा ये दौरा हुआ है ना, ये इन्हीं के तहत हुआ है, यानी इन्हीं के को मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ आपके मैं प्रोजेक्ट देखूँ। तो यहाँ मैंने चित्राल में कैलाश में देखे इनके प्रोजेक्ट, बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ने इनको इतनी तौफीक दी है। तो आइंदा जब मैं आऊंगा, ये बार बार कह रहे हैं आप यहाँ बयान नहीं कर रहे, वहाँ बयान नहीं कर रहे, तो जब भाई आप हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह हमारा ये दौरा ही बयान के लिए होगा, ठीक है ना? तो दौरा ही बयान के लिए होगा, फिर इंशाल्लाह कॉलेज में भी बयान करेंगे, यूनिवर्सिटी में भी करेंगे। यहाँ यूनिवर्सिटी में ज्यादातर उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, ये बड़ा अच्छा काम किया उलमा, दीन दुनिया दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन वो उलमा जो सिर्फ मदरसों को फोकस कर रहे हैं उनको बुरा ना समझे, दोनों चीजें जरूरी है ना। कुछ उलमा मदरसों के लिए वक्फ होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों के लिए वक्फ होते हैं, तो दोनों तारे चलनी चाहिए। दीन दुनिया दोनों साथ साथ चलेंगे तो हिसाब किताब चलेगा। अगर हम दुनिया से बिल्कुल पीछे रह गए तो ये दुनिया की बागडोर मुमकिन है मुल्क दुश्मनों के हाथ में चली जाए, इस्लाम दुश्मनों के हाथ में चली जाए, तो मुल्क का नुकसान होगा और इस्लाम का नुकसान होगा। और एक आखिरी बात देखो, क्योंकि मेरा ये पहला और आखिरी बयान ही है यहाँ पे, असबियत को फरोग नहीं होने देना है, लिसानियत को। देखो यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ फट्टेबाजी नहीं है, फिरकावारियत है ही नहीं, तो जो चीज ना हो पहले से अगर उसको पकड़ लें तो अच्छा है ना। तो जो यहाँ फिरकावारियत फैलाने की कोशिश करे ना, उसको नहीं पनपने देना आपने, बात आ रही है समझ में? किसी भी लेवल से मुसलमानों को फिरकावारियत में उलझाने की कोशिश करे, उसको यहाँ आपने पनपने नहीं देना, क्योंकि यहाँ फिरकावारियत बिल्कुल भी नहीं। जो मजहबी मुनाफरत फैलाए, चाहे गैर मुस्लिमों के साथ ही लड़वाने की कोशिश करे ना, फट्टेबाजी, यहाँ बहुत से गैर मुस्लिम भी है लेकिन मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में कोई फट्टा नहीं है। तो अगर कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम फसादात की, देखो जो मुल्क दुश्मन अनासिर है ना, वो देखते हैं कि ये लड़ कैसे सकता है मुसलमान, वो हर वो सतह पे लड़वाएगा जहां उनको पता हो कि इनके जज्बात से खेला जा सकता है। तो यहाँ आपने जैसे माशाल्लाह गैर मुस्लिम, ये पागे ट्रस्ट तो ये कैलाश तो गैर मुस्लिम है ना, वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह फलाही काम कर रहे हैं, तो यहाँ ये झगड़ा आपने नहीं होने देना। तीसरा काम, यहाँ मुल्क दुश्मन अनासिर नहीं पैदा होने देने। रियासत के खिलाफ कोई भी लेके जाता है, इससे क्या हो जाएगा? आपका ये हत्ता जो गुलशन है ना, ये आपका बाग जहाँ अमन व अमान है, ये सब क्या हो जाएगा? तबाह। लिसानियत की, ये पठान है, ये चित्राली है, ये गिलगिती है, ये महाजर है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, हर कौम की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक कल्चर होता है। अल्लाह ने फरमा लिया लितआरफू, ये सब पहचान के लिए, हर कौम का एक कल्चर होता है ना, वो अच्छा भी लगता है देखने में। सबके एक ही कल्चर होते तो मजा आता, थोड़ी मजा आता है। तो हर एक का अपना कल्चर है, मुहाजिर पान खाते हैं, हमारे पठान भाई निस्वार खाते हैं, अगर सारे निस्वार खाना शुरू कर दें तो पान की पीके कहीं नजर आएंगी आपको? और अगर सारे पान खाना शुरू कर दें तो जो निस्वार निकाल के यहाँ रखने का, जो हमारे पठान भाई ऐसे चुटकी निकाल के डाल रहे होते हैं, वो जो मंजर होता है वो नजर आएगा? तो हर कौम का बस सुट्टे पर बात ना आए, ठीक है ना, बस पान निस्वार तक तो ठीक है, इससे आगे ना जाएंगे। तो मुहाजिर लोग पान खाते हैं पीके, आपको माशाल्लाह नजर आती है होलसेल के हिसाब से। और पठान भाई हमारे, ये हर कौम का अल्लाह ने क्या रखा है एक कल्चर, गिलगित वालों का अपना एक अलग कल्चर है, चित्राल वालों का अलग कल्चर है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये कोई किसी पे फख्र नहीं कर सकता, मैं अच्छा हूं और तुम क्या हो, तुम ऐसे हो, तुम गुलाम कौम थे तो हमने तुम्हें बना दी, तो तुम यूं थे तो हमने तुम्हें ये किया। तो ये सब बातें लिसानी फसादात का जरिया बनती। हमारे नबी की जो तलवार सबसे पहले चली है ना अपनी कौम के खिलाफ, सबसे पहली लड़ाई बदर हुई है ना, बदर की लड़ाई में अरब अरब के खिलाफ, हमारे नबी अरबी और सामने लड़ाई किससे हो रही है, अरबी से। ये कौम परस्ती का खात्मा हो रहा है कि नहीं हो रहा, सबसे पहली तलवार चल रही है अपनी कौम के खिलाफ। इसमें नबी ने बता दिया कि जो कलमा पड़ेगा उसकी उसकी लड़ाइयां कौमियत की बेस पे नहीं होंगी, नजरिए की बेस पे होंगी। समझ रहे हो, बहुत सारी कौमों को हमारे नबी ने एक कर दिया। तो अरब अरब के खिलाफ थे उस गज़वे बदर में, और फिर अरब में इधर भी अरब की कौम कुरैश और उधर भी कुरैश, और कुरैशियों में इधर भी बनी हाशिम और उधर भी बनी हाशिम, कौम परस्ती का जड़ से खात्मा कर दिया। तो इसलिए भाई हम सब मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, और हमें किसी पहचान की जरूरत नहीं। क्या ख्याल है, बड्डेबाजी का बात ही नहीं बनती, सही है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदरसे की इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे जैसे नालायक को इन्होंने यहाँ बिठा दिया, और बड़े बड़े उलमा बैठे हैं उनके सामने मुझे ऊपर बैठते हुए भी शर्म आती है। ठीक है, सही है, मैं दिल से कहता हूँ, ऊपर ऊपर से नहीं कहता, मुझे वाकई शर्म आ रही होती है, लेकिन अब नीचे बैठूंगा तो फिर बयान कैसे होगा, आप सारे खड़े हो जाएंगे, फिर आपको शर्म नहीं आएगी, फिर नीचे बैठे हुए हैं और आपके, इसलिए हमने कहा इतने लोगों को शर्म लेस बनाने से बेहतर है थोड़ी देर के लिए खुद थोड़ी सी शर्म को दाएं बाएं कर दो। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बला दुआ फरमाए। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اے اللہ ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ جس محبت سے یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما اے اللہ مدرسے کی انتظامیہ کو اس خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرما اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یہاں سے علماء کو پیدا فرما ان سے دین کی خدمت کا کام لے امت میں جوڑ کا کام لے اے اللہ اس مدرسے میں اگر کوئی مالی مشکلات ہیں اپنے فضل سے اس کو بھی اے اللہ تو دور فرما اے اللہ اس مدرسے کو اس علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنا ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ اس شہر کو تو مزید امن کا گہوارہ بنا یہاں کے لوگوں کو مالی اور مالی لحاظ سے علم مال عمر اولاد میں اللہ ان کی برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کے لیے ان کو ملک کے لیے خدمت کی توفیق عطا فرما ملک کی ترقی کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمارے ملک کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ حفاظت فرما ہمیں صالح حکمران نصیب فرما اے اللہ جو حکمران فاسق و فاجر ہیں اللہ تو ان کو اے اللہ تو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ان کو اس قوم کا خیر خواہ بنا ان میں جو خیر خواہی کے قابل نہیں ہے اللہ تو ہمیں ان سے نجات عطا فرما صالح قیادت نصیب فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین